अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद वील, आप लोग देख रहे हैं गुजरिज़म। और सबसे पहले तो माजरत, बहुत लेट मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये था कि मैं कुछ बिज़ी था, थोड़े से काम थे, तो लेकिन अब आई एम बैक और अब कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड किया करूँगा। और आज हम लोग आए हैं बेदल शवरमा, जो कि लोकेटेड है F10 मरकज़ में इस्लामाबाद में। तो आज उनका जाके करते हैं रिव्यू और बताते हैं आपको उनका शवरमा कैसा है और इनका बैठने का सिस्टम कैसा है और ये बनाते कैसे हैं। तो चले शुरू करते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने। अच्छा जी, खाना हमारा आ गया। ये है बीफ समूली, ये है बीफ शवरमा, ये है हमारे चीज़ी लोडेड फ्राइज़, ये हमारे पास सॉसेज हैं, गार्लिक सॉस है और ये कॉकटेल सॉस है। दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं चीज़ें, अभी आप लोगों को खा के बताते हैं। तो अच्छा जी, सबसे पहले माजरत, क्योंकि मैं आप लोगों को ये ऑडियो सुना नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह प्ले हो रहे थे, उसकी वजह से मुझे ना यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इस वजह से मैं सुना नहीं पाऊँगा। तो सॉरी वी वंस अगेन, बियर विथ मी। और लेकिन अगर इनके हम लोग चीज़ी लोडेड फ्राइज़ की बात की जाए तो देवर आउटस्टैंडिंग, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर ट्राई करें एलपिनोज चीज़ और डिफरेंट सॉसेस के साथ, ये ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेस्ट दे रहे थे। और यानी चीज़ मुंह में आपके मेल्ट हो जाता है, सीरियसली। अच्छा जी, नेक्स्ट इनका था बीफ सैंडविच, तो ये मैं कहता हूँ कि अच्छा था लेकिन मज़ीद बेहतर हो सकता था अगर इसमें गार्लिक सॉस ऐड की होती। इन्होंने केचप ऐड किया हुआ था जो कि टेस्ट को बिल्कुल मीठा कर रहा था, यानी कि मैं यही कहूँगा कि ये एक डिज़र्ट टाइप लग रहा था मुझे, सैंडविच नहीं लग रहा था, डिज़र्ट लग रहा था। लेकिन फिर भी ठीक था, लेकिन मज़ीद बेहतर हो सकता है। जी, नेक्स्ट टेन का बीफ शावरमा, शावरमा की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त था, आउटस्टैंडिंग था। और उसमें बिल्कुल जूस के साथ भरा हुआ था और बीफ की ऑयली गुडनेस के साथ भरा हुआ था वो, सीरियसली बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, जो कि मुझे लगा आई थिंक सो, लेकिन फिर भी इतना होना नहीं चाहिए। बाकी ओवरऑल इट वॉज़ अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त था, आप ज़रूर ट्राई करने आए, आपको उम्मीद है आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे, बहुत ज़बरदस्त था। और अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट इनकी मैं बताना चाहूँगा गार्लिक सॉस, बहुत ज़बरदस्त थी वो, इतनी ज़्यादा पंजेंट नहीं थी बाकियों के मुकाबले पे, बहुत एक उसका नॉर्मल सा टेस्ट था और बहुत ज़बरदस्त थी। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब आएंगे तो आप चेक करें आके, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इनका, एवरीथिंग का। लेकिन बस छोटी मोटी एक दो चीज़ें इनकी अगर बेहतर हो जाएं तो मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा बन सकता है, मज़ीद बेहतर बन सकता है। एक तो इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा था, बाकी एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। जी, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ अगर, तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और एक बैठने का बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ पर बनाया हुआ उन्होंने, और इसके अलावा खाना बड़ा ज़बरदस्त था और बड़ा एक मज़ा आया है, आज दिन अच्छा गुजरा हमारा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरी तो लाइक कर दें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दें। आधे से ज़्यादा लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन देखते हैं मेरी वीडियोज़ लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब करना ज़रूर ज़हन में रखें अपने, भूलें ना, लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।